हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पर्यटन के रूप में विकसित करने की दिशा में होगा खेमा बाबा मंदिर का विकास। हरीश चौधरी। राजस्व मंत्री चौधरी ने खेमा बाबा मंदिर के चल रहे जीवनाधार कार्य का लिया जायजा। मारवाड़ के लोक देवता सिद्ध श्री खेमा बाबा के भव्य मंदिर के चल रहे जीवनाधार कार्य का शुक्रवार को राजस्व मंत्री व बायतू विधायक हरीश चौधरी ने जायजा लिया। धरातल पे किए जा रहे कार्य की गतिविधियों के बारे में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंदिर कमेटी के सदस्यों व सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्साइन पारसवल सिंगानिया से जानकारी प्राप्त की और उन्होंने बनने वाले मंदिर का अहमदाबाद से तैयार करवा कर ले गए स्किल मॉडल का अवलोकन किया। इसके बाद राजस्व मंत्री ने पूर्ण हुए मंदिर नींव के कार्य को देखा और चल रहे गर्भगृह के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जन आस्था के प्रतीक खेमा बाबा मंदिर का भव्य मंदिर बनकर जल्द तैयार होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन के रूप में विकसित करने की दिशा में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बायतो मुख्यालय पर बने खेमा बाबा के मंदिर में जीर्णोद्धार के लिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने कुल 3.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की थी, जिनके डिजाइन बनने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से टेंडर निकालकर वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद जीर्णोद्धार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में यहां भव्य पश्चिमी भारतीय शैली का मंदिर देखने को मिलेगा। इससे पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने खेमा बाबा में पूजा अर्चना कर धोक लगाई और क्षेत्र में अमन चैन व खुशहाली की मन्नत मांगी। इस दौरान बायतू प्रधान सिमरथा राम चौधरी, खेमा बाबा मंदिर कमेटी के सचिव डूंगर राम काकड़, कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खां, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गुदारा, NSUI जिला अध्यक्ष राजेंद्र कड़ासरा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किस्तूर चंद्र सारन, सरपंच रूगा राम सारन, गोमा राम पोटलिया, हंसराज गोदारा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।